शायद ऐसा कोई म्यूजिक लवर होगा इंडिया में जिसको पसूरी सॉन्ग पसंद ना हो या फिर उसने सुना ना हो। वो ऑलरेडी एक मास्टरपीस क्रिएशन है और अब वो आ गया है अरिजीत सिंह की आवाज में। फाइनली यस, फाइनली अरिजीत वर्जन ऑफ पसूरी इज आउट नाउ। सत्य प्रेम की कथा का ये सॉन्ग आज रिलीज हुआ है भाई, मजा आ गया। बिकॉज पसूरी प्लस अरिजीत सिंह प्लस कार्तिक कियारा की जोड़ी, वो क्या था, हाँ, आग लगा दी। देखो भाई एक फैक्ट बताता हूँ, ओरिजिनल सॉन्ग का जो लेवल है वो ऑलरेडी बहुत बहुत हाई है और ये वाला सॉन्ग अरिजीत सिंह ने गाया है इसलिए सुनने में मजा आ रहा है। अदरवाइज पसूरी को रिक्रिएट करना सबके बस की बात नहीं है और अगर इसके रिक्रिएशन की ही बात है तो भाई इससे बेहतर रिक्रिएट कोई नहीं कर सकता। स्पेशली सॉन्ग के लास्ट 40 seconds मैंने लूप मोड में सुने हैं। भाई गुजरात में बहुत ज्यादा बारिश है आज और बारिश में कार में ट्रैवल करते वक्त ये गाना सुनना, ओए होए होए होए। अरिजीत सिंह के लिए एक छोटा सा मैसेज है हम सबकी तरफ से, भाई आप ना यार कोहिनूर हो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के और मेरी तरह हर एक अरिजीत सिंह के फैन की ये दिल की ख्वाहिश होगी कि अरिजीत सिंह का एरा कभी खत्म ना हो। जितने भी अरिजीत सिंह के फैंस इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट जरूर से करना, वी लव यू अरिजीत सिंह। आप देखो यार, अब वो हर फिल्म का एल्बम अधूरा लगता है जिसमें अरिजीत सिंह का गाना नहीं होता है, क्योंकि ये बंदा जो भी गाता है सीधा दिल को छूता है और उनके कॉन्सर्ट्स में भी जनता की ये हाई डिमांड रहती थी कि अरिजीत सिंह एक बार पसूरी सॉन्ग गा दे और शायद इस डिमांड को सत्य प्रेम की कथा के इस सॉन्ग के थ्रू बड़े लेवल पर पूरा कर दिया गया है। तो अरिजीत सिंह के हर एक फैन के लिए ये गाना एक गिफ्ट के बराबर है। अब सत्य प्रेम की कथा की बात करें तो हर एक गाना हिट है यार, एक सॉलिड एल्बम बन गया इनका। लास्ट सॉन्ग जब आया था सुन सजनी तब मुझे लगा कि अब सीधा फिल्म ही आएगी 29 जून को, लेकिन इन्होंने 2 दिन पहले रख दिया पसूरी नु। अब सीधा फिल्म आने दो यार, आपने एक्साइटमेंट ऑलरेडी बहुत बढ़ा दिया है। तो बाकी की बातें करेंगे फिल्म देखने के बाद, अगर बीच में कुछ नहीं आया तो अब आप बताओ कि गाना आपको कैसा लगा। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।